मैम साहब आपका खाने पर इंतजार कर रही है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाय अनुप। हाय निशा, क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? इन कपड़ों में मैं अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन मैंने जब ये कपड़े तुम्हें दिए थे तब तुम्हें ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, तुम्हें तो ये कलर पसंद ही नहीं है। हाँ, जानता हूँ मैं, लेकिन इतना कुछ किया है तुमने मेरे लिए, मैं तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद नहीं बना सकता? मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। खाना खाते हैं। ये मैं ही डॉक्टर सुरेश शाह, अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये फाइल देखिए। मोहित शर्मा को कितना जानते थे आप? जानता हूँ। जानते हैं? नहीं जानते थे। What do you mean? Yeah, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। Oh, no. उसकी लाश के पास से हमें ये केनाइन टूथ मिला है। को ये वेरीफाई करना है कि ये टूथ आपने ही उसे लगाया है। मैं इतनी जल्दी तो इसकी जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसकी सारी एक्सरे की रिपोर्ट वगैरह देखनी पड़ेगी मुझे। आप कब तक बता सकते हैं? कल शाम तक। ओके, टेक योर टाइम, कल शाम को हम आएंगे। थैंक यू डॉक्टर। कहिए ऑफिसर्स, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पूछिए। मोहित आपके साथ कितने दिनों तक काम करता रहा? कितने दिन नहीं ऑफिसर, कितने साल कहिए। वो 7-8 साल तक मेरे साथ ही रहा। 7-8 साल आपके साथ रहने के बाद उसने अचानक आपका साथ क्यों छोड़ दिया फिर? तरक्की के सपने कौन नहीं देखता ऑफिसर। मोहित तरक्की करके आगे बढ़ना चाहता था, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। ही इज अ वेरी एम्बिशियस बॉय, इसलिए उसने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर दिया और अलग हो गया। मोहित की इस हरकत की वजह से आपको काफी तकलीफ हुई होगी मिस्टर खन्ना। नॉट एट ऑल ऑफिसर, बल्कि मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे यहाँ तक कहा कि अगर बिजनेस में किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आदमी कैसा था? अच्छा आदमी था, सिंसियर आदमी था, हार्डवर्किंग आदमी था। उसके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो यहाँ का मैनेजर है। जब भी साइट पे जाता था बेझिझक वर्करों की मदद कर देता। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी उससे? आखिरी मुलाकात आई थिंक 2 महीने पहले। हम दोनों ही जल्दी में थे इसलिए सिर्फ हाय हेलो हुई, उसके बाद फोन पर भी मुलाकात नहीं हुई। मोहित इस वक्त कहाँ है? At the moment I don't know where he is. किसी ने उसका बहुत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। क्या? Yes, मोहित का खून हो चुका है। But why officer? मोहित बहुत ही अच्छा आदमी था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उसका मर्डर क्यों हुआ? लोग अपने आस्तीन में सांप पाल लेते, उन्हें पता भी नहीं चलता। मोहित ने भी यही गलती की होगी। ऑफिसर, मुझे वाकई बहुत बहुत अफसोस हुआ है। एनीवे, अब हम चलते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको फिर से तकलीफ देने आएंगे। कम ऑन गाइस। Excuse me, sir. Yeah. सर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या कहूँ। क्यों? जो कुछ भी है साफ साफ कहिए। सर, भैया ने आपसे झूठ कहा। कैसा झूठ? सर, वो मोहित से 1 महीना पहले मिल चुका है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम?
एक रोज मैं अपने ऑफिस में बैठा देर तक काम कर रहा था। हेलो, मैं मोहित बोल रहा हूँ। हाँ मोहित बोलो। तुमने ये ठीक नहीं किया अजय, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो तुम। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मोहित बिजनेसमैन बने हो ना, बिजनेस के तरीकों के साथ साथ उसकी चालें भी सीख लो, वरना एक दिन तुम्हें अपनी ऑफिस बंद करके मेरे पास आना होगा फिर से नौकरी मांगने। मोहित गुस्सा कम और ठंडे दिमाग से सोचो, तुम ही बताओ, बिना इन चालों के कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में तरक्की कर सकता है क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये चालें सिर्फ तुम मुझे सिखा सकते हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। श्योर? मेरी ऑफिस आ जाओ। नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ, वहीं बैठ के बात भी करेंगे। लेट्स हैव डिनर। ठीक है, ऑफिस के बाद सीधे तुम्हारे घर आ जाता हूँ। भूलना नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। भैया मैंने सब कुछ सुन लिया है, मोहित की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अनु, मैं अकेले ही जाऊंगा, देख तो लूं वो मोहित चाहता क्या है। उसके बाद भैया मोहित से मैंने निकल गए और उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम अपने भाई के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि एक मर्डर केस है, हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। उसकी भी एक वजह है ऑफिसर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया नहीं है। क्या मतलब? वो हॉस्पिटल से आने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बदल गए। जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कहाँ है? अभी तक पुलिस कस्टडी में। किस पुलिस स्टेशन में? 10th रोड खार पुलिस स्टेशन। सर, टायर पर जो रेत लगी है उसे लगता है कि कार एक्सीडेंट से पहले समंदर के किनारे गई थी। लाश भी हमें समंदर के आसपास से नहीं मिली है, हमारा शक सही है। सर, अजय ने हमसे झूठ कहा था, अनूप ने सच कहा, अजय मोहित से मिलने गया था। ये देखिए, ये टूटा हुआ नंबर प्लेट, ये उसी गाड़ी का नंबर प्लेट है जो मोहित के लाश के पास मिला था। लेकिन उसने झूठ क्यों कहा हमसे? इसलिए क्योंकि वो सच बोलता तो पकड़ा जाता, हमारा शक सीधा उसी पे जाता कि उसने ही मोहित का कत्ल किया। मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, तब तक तुम दोनों अजय के पास जाओ और उसे उगलवाने की कोशिश करो कि उसने झूठ क्यों बोला। मैं बोल रहा हूँ। अरे चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहुत जल्द मैं तुम्हें मिलने आने वाला हूँ। ओके। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा बात करना खतरे से खाली नहीं। ओके बाय। आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये देखने के लिए कि तुम्हारी आंखों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है मिस्टर अजय, आपने झूठ क्यों कहा हमसे? क्या झूठ कहा मैंने? यही कि 2 महीने से तुम मोहित से नहीं मिले। जबकि आप उससे मिलते रहे। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम्हारी ये गाड़ी का टूटा हुआ नंबर प्लेट मोहित के लाश के पास क्यों पाया गया था? वो मोहित की लाश आपको कहां से मिली? 4th रोड सी फेस बैंड स्टैंड।
वहीं मैं अपनी नई 5-स्टार होटल बनाने जा रहा हूँ। अब इसी सिलसिले में अक्सर मेरा वहाँ आना जाना होगा। शायद एक आध विजिट में मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट टूट गया होगा और वहीं गिर गया होगा और आपको मिला। ऑफिसर आप ही मुझे बताइए, अपने ही प्लॉट पर जाना कोई जुर्म है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसाने के लिए किसी ने मोहित का कत्ल करके मेरे ही प्लॉट पर फेंक दिया है। लेकिन ये मत समझना कि हमने तुम्हारी बात मान ली, हम तुमसे फिर मिलने आएंगे। और हाँ एक बात और मिस्टर खन्ना, हमसे पूछे बिना आप इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? गुड, लेट्स गो। आप ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? यस, ये दांत मैंने ही बनाया था और मोहित को लगाया भी मैं नहीं था। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। इसका मतलब है जो कुछ भी अजय ने हमसे कहा वो झूठ कहा। तुम्हें क्या लगता है अभी? मतलब तो साफ है, मोहित का खून अजय ने ही किया है। Maybe. उसकी बातों से थोड़ा बहुत शक तो मुझे भी हो रहा था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, उसे हिरासत में ले लेते हैं? नो विजय, वी कांट हरी अप लाइक दिस। पहले मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, एक बार वो मिल जाए तब हम किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। बिना वी गेटिंग द रिपोर्ट आज रात तक। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थैंक यू। क्या हुआ? इस केस ने तो नया ही मोड़ ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि अजय कातिल है। वो क्या? लाश के पास से तो हमें केनाइन टूथ मिला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये बता रही है कि मोहित का जो दांत टूटा है वो मोलार टूथ है। इसका मतलब है कि वो लाश मोहित की नहीं किसी और की है। एब्सोल्युटली, टूथ मोहित का है लेकिन लाश मोहित की नहीं है। सोचने वाली ये बात है कि अगर वो लाश मोहित की नहीं है तो फिर किसकी है और मोहित कहाँ गया? मैं बोल रहा हूँ। कब तक यूँ ही फोन पे बातें करके मेरा दिल बहलाते रहोगे? मैं तुमसे मिलना चाहती। अच्छा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है। देखो तुम अभी इसी वक्त मुझसे मेरे घर पे आके मिलो। तुम अभी नहीं आए ना तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओके ओके, मैं वहां पहुंच रहा हूं। नाश्ता साथ में करते हैं, ओके? सुनो अजय। यस विराट। कहां जा रहे हो तुम? डार्लिंग अचानक मीटिंग आ गई है, मुझे वहां जाना होगा। आई विल सी यू लेटर। सुनो तो नाश्ता तो कर लो। नाश्ता इस वक्त? स्वीटहार्ट वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, आई मस्ट लीव नाउ। आई विल सी यू लेटर। सब क्या है, इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? बहुत जल्द स्वीटहार्ट, बहुत जल्द। अब कामयाबी मेरे सामने है। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं होगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। ऑफिसर मुझे अपने पति पर शक है। किस तरह का शक? वो मेरे पति नहीं है, वो मेरा अजय नहीं है, वो कोई और है। बिभे रुपया। आपको ऐसा क्यों लगता है? उसकी उसकी आदतें
उसकी हरकतें। क्या आपने उसे कभी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है? कई बार। और उसने क्या कहा? वो तो बस यही कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से उनमें कई बदलाव आ गए हैं, लेकिन लेकिन एक एक्सीडेंट किसी को इतना भी नहीं बदल देता। एक्सीडेंट में उसके सर पे कोई चोट आई थी? हाँ, लेकिन वो एक मामूली चोट थी। इस एक्सीडेंट में उनका चेहरा बिगड़ गया था, जिसे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया गया है। उसका इलाज कहाँ हुआ था? एमजी हॉस्पिटल। डॉक्टर का नाम? सतीश गोयल। सतीश गोयल। अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड से। प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं, आपके पास कुछ दिनों पहले अजय खन्ना नाम के एक पेशेंट आए थे जिनकी आपने प्लास्टिक सर्जरी की थी, याद है आपको? जी, बहुत अच्छी तरह से याद है। एक्सीडेंट के बाद जब उसे यहाँ लाया गया तो उसकी क्या कंडीशन थी, आप बता सकते हैं? उसका चेहरा पूरी तरह से घायल हो चुका था, टोटली स्मैश्ड। हाथ पांव पर भी काफी चोटें आई थी, मल्टीपल इंजरीज थी। उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो शायद ही बच पाए, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। हाँ। क्या उसके सर पे कोई चोट आई थी? हाँ, आई थी, मामूली सी चोट थी। क्या उस चोट से दिमाग पर असर हो सकता था? जी बिल्कुल नहीं। यही तो ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद अजय के सिर पर कोई खास चोट नहीं आई। अगर दिमाग पर चोट आती थी तो या तो उसका बचना मुश्किल हो जाता था या फिर उसकी याददाश्त चली जाती थी। सिर्फ माइनर इंजरीज थी, वो भी एक्सटर्नल। क्या ऐसे कोई चांसेस है जिसे वो अपनी पुरानी आदतें भूल जाए या फिर ऐसी कोई हरकत करे जिसे लोग उसे अजय मानने से इनकार कर दे? No, it is impossible. जब उसे आपके पास लाया गया तो क्या उसका कोई दांत टूटा हुआ था? हाँ। कौन सा? कौन सा? उसके तो 6-6 दांत टूटे हुए थे। I see. अच्छा डॉक्टर, जब आपने उसकी सर्जरी की तो आपके पास एक तस्वीर थी जिसे देखकर आपने उसका चेहरा बनाया। जी। सपोज आपके पास उस वक्त कोई तस्वीर नहीं होती तो आपने उसका कौन सा चेहरा बनाया होता? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। डॉक्टर, ऐसे सवालों से कभी कभी हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हम मानते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आफ्टर ऑल इट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स डॉक्टर। मैं मानता हूँ, हो सकता है कि आपके पास आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें परेशानी कैसी? इट्स माई ड्यूटी, कानून की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है। हाँ, इसके लिए आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कितना? बस यही 2-3 घंटे। नो प्रॉब्लम्स, विल वेट सर। क्या बात है अनुप, आज बहुत चुप चुप से हो। अरे टेल मी, बात क्या है? नहीं भैया, बस दिमाग में कुछ उलझन है। कैसी उलझन है? आपकी हालतें कैसी बदल गई भैया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप खुद बदल गए। मतलब आप वो अजय भैया नहीं रहे जो जो पहले थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चुपचाप खाना खाओ।
भैया आपने मोहित को क्यों मार डाला?